महिंद्रा स्कॉर्पियो लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो अपने नए लुक्स के साथ 2022 में मार्केट में दिखने वाली है। जी हाँ, साल 2022 में महिंद्रा स्कॉर्पियो नए अंदाज और फीचर्स के साथ मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इसे टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है, लेकिन दूसरी ओर यह भी जानकारी मिल रही है कि कंपनी इसे बाजार में नए नाम से लॉन्च कर सकती है, हालांकि अब तक की कोई भी जानकारी नहीं है। और अगर फीचर्स की बात करें तो एसयूवी के साथ मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ और वायरलेस चार्जिंग जैसे एडवांस फीचर्स भी इसके अंदर मिलने वाले हैं। नए जनरेशन स्कॉर्पियो के साथ आपको 155 बीएचपी वाला 360 एनएम के टॉर्क के साथ इसके अंदर 2 लीटर का इंजन ऑफर किया जाएगा। पहले आपको केवल डीजल इंजन ही ऑफर किया जाता था, लेकिन अब इसके अंदर आपको पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जाएगा। हालांकि पेट्रोल और डीजल में कितनी पावर मिलने वाली है आपको अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन महिंद्रा थार से ही इसकी जो पावर्स हैं और जो इसका इंजन है वो लिया जाएगा। और ये दोनों ही इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको ऑफर किए जाएंगे। और नई जनरेशन स्कॉर्पियो की काफ़ी सारी जानकारी सामने आ चुकी है। रेंडर इमेज और एसयूवी के अगले हिस्से में बड़ी ग्रिल दिखी है और पूरे अगले हिस्से को घेरती हुई है। इससे जुड़ी हुई एलईडी हेडलैम्प भी इसी ग्रिल का हिस्सा नजर आती है। देखने में तो नई स्कॉर्पियो काफ़ी दमदार है, जिसके साथ शार्क फिन एंटीना, पिछले दरवाजे पर लगा हुआ स्पॉयलर, मल्टी स्पोक अलॉय व्हील दिए गए हैं। टेस्टिंग के दौरान देखी एसयूवी पूरी तरह स्टिकर से ढकी हुई है, तो बची हुई कुछ जानकारी सामने आई है। नई महिंद्रा स्कॉर्पियो के अगले और पिछले हिस्से में दमदार बम्पर्स देखने को मिल सकते हैं। और 2022 में महिंद्रा स्कॉर्पियो में मिलने वाले दमदार फीचर्स एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी हो सकता है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार XUV700 में दिए गए फीचर्स भी कार के टॉप मॉडल में मिलने वाले कुछ एडवांस फीचर्स हैं, उसी तरीके से महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर भी आपको कुछ एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं XUV700 की तरह। इसके अंदर आपको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सभी जगह LED लाइट्स, 6 एयरबैग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स भी आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो में ज़रूर ऑफर किए जाएंगे। और अगर बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो के लॉन्चिंग की, तो 2022 में महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च होगी या नहीं, ये अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो कब तक लॉन्च होने वाली है, क्योंकि XUV700 की वेटिंग इतनी ज़्यादा है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो को अभी लॉन्च नहीं किया जा सकता। महिंद्रा स्कॉर्पियो को लॉन्च करते ही XUV700 की वेटिंग भी ज़्यादा है और स्कॉर्पियो को लॉन्च कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें सामने आ सकती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जो चैनल पर नए हैं अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।